भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51। ये शया है अध्याय 51। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खानी में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो। अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बड़ा किया। यहोवा ने सियोन को शांति दी है, उसने उसके सब खंडहरों को शांति दी है, और वह उसके जंगल को अदन के समान और उसके निर्जल देश को यहोवा की वाटिका के समान बनाएगा। उसमें हर्ष और आनंद और धन्यवाद और भजन गाने का शब्द सुनाई पड़ेगा। हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी ओर ध्यान धरो। हे मेरे लोगों, कान लगाकर मेरी सुनो। मेरी ओर से व्यवस्था दी जाएगी और मैं अपना नियम देश देश के लोगों की ज्योति होने के लिए स्थिर करूंगा। मेरा धर्म निकट है, मेरा उद्धार प्रकट है। मैं अपने भुजबल से देश देश के लोगों का न्याय करूंगा। द्वीप मेरी बाट जोहेंगे और मेरे भुजबल पर आशा रखेंगे। आकाश की ओर अपनी आंखें उठाओ और पृथ्वी को निहारो, क्योंकि आकाश धुएं की नाई लोप हो जाएगा और पृथ्वी कपड़े के समान पुरानी हो जाएगी और उसके रहने वाले यो ही जाते रहेंगे। परंतु जो उद्धार मैं करूंगा वह सर्वदा ठहरेगा और मेरे धर्म का अंत न होगा। हे धर्म के जानने वालों, जिनके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो, क्योंकि घुन उन्हें कपड़े की नाई और कीड़ा उन्हें ऊन की नाई खाएगा। परंतु मेरा धर्म अनंत काल तक बना रहेगा और मेरा उद्धार पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहेगा। हे यहोवा की भुजा, जाग जाग, बल धारण कर। जैसे प्राचीन काल में और बीते हुए पीढ़ियों में वैसे ही अब भी जाग। क्या तू वही नहीं है जिसने रहब को टुकड़े टुकड़े किया और मगरमच्छ को छेदा? क्या तू वही नहीं है जिसने समुद्र को अर्थात गहरे सागर के जल को सुखा डाला और उसकी थाह में अपने छुड़ाए हुओं के पार जाने के लिए मार्ग निकाला था? सो यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौटकर जय जयकार करते हुए सियोन में आएंगे और उनके सिरों पर अत्यंत आनंद गुंजता रहेगा। हे वे हर्ष और आनंद प्राप्त करेंगे और शोक और सिसकियों का अंत हो जाएगा। मैं ही तेरा शांतिदाता हूँ। और तू कौन है जो विनाशी मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नेव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है? और जब द्रोही नाश करने को तैयार होता है तब उसकी जलजलाहट से दिन भर लगातार थरथराता है, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही? बंधुआ शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में न मरने पाएगा और उसे रोटी की कमी न होगी। जो समुद्र को उथल पुथल कर करता है, जिससे उसकी लहरों में गर्जना होती है, वह मैं ही तेरा यहोवा परमेश्वर हूँ। मेरा नाम सेनाओं का यहोवा है और मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले और अपने हाथ की आड़ में छिपा लिया, ताकि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नेव डालूं और सियोन से कहूं कि तुम मेरी प्रजा हो। हे यरूशलेम, जाग जाग, उठ खड़े हो जा। तूने यहोवा के हाथ से उसकी जलजलाहट के कटोरे में से पिया है। तूने कटोरे का लड़खड़ा देखने वाला मद पूरा पी लिया है। जितने लड़कों ने उससे जन्म लिया उनमें से कोई न रहा जो उसकी अगुवाई करके ले चले, और जितने लड़के उसके पाले पोसे उनमें से कोई न रहा जो उसके हाथ को थाम ले। ये दो विपत्तियां तुझ पर आ पड़ी है, सो कौन तेरे संग विलाप करेगा? उजाड़ और विनाश और महंगी और तलवार आ पड़ी है। मैं क्यों कर तुझे शांति दूं? तेरे लड़के मूर्छित होकर एक एक सड़क के सिरे पर महाजल में फंसे हुए हरिणी की नाई पड़े हैं।
यहोवा की जलजलाहट और तेरे परमेश्वर की धमकी के कारण वे अचेत पड़े हैं। इस कारण हे दुखियारी, तू मतवाली तो है परंतु दाख मधु पीकर नहीं। तू यह बात सुन, तेरा प्रभु यहोवा जो अपनी प्रजा का मुकदमा लड़ने वाला तेरा परमेश्वर है, वह यो कहता है कि सुन, मैं लड़खड़ा देने वाले मद के कटोरे को अर्थात अपनी जलजलाहट के कटोरे को तेरे हाथ से ले लेता हूँ, जिससे तुझे उसमें से फिर कभी पीना न पड़ेगा, और मैं उसे तेरे उन दुख देने वालों के हाथ में दूंगा जिन्होंने तुझसे कहा कि लेट जा कि हम तुझ पर पाव धरकर आगे चले, और तूने औंधे मुंह भूमि पर गिरकर अपनी पीठ को आगे चलने वालों की। भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 51, यशाया अध्याय 51। हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो। जिस चट्टान में से तुम खोदे गए हो और जिस खानी में से तुम निकाले गए हो, उस पर ध्यान करो, अपने मूल पुरुष इब्राहिम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तब ही से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बड़ा किया। यहोवा ने